कदम्बनी गांगुली के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये इमेज में देख सकते हो, ये हैं कदम्बनी गांगुली। इनका जन्म 18 जुलाई 1861 को होता है, 3 अक्टूबर 1924 को इनकी डेथ हो जाती है। इनके जो हस्बैंड थे, स्पाउस, उनका नाम था द्वारकानाथ गांगुली। अभी न्यूज़ में इसलिए हैं, जो गूगल है ना साइट, जो google.com आप खोलते हो, सर्च करते हो किसी पे कुछ भी चीज़, उस पे 18 जुलाई को इनके बर्थडे के दिन पे इनका फ़ोटो लगाया, इनका फ़ोटो लगाया गूगल ने अपने डूडल पे। डूडल बोलते हैं, डूडल जो ये होता है ना, इस तरह का बना देता है गूगल। यहाँ पे सर्च करने का ये एड्रेस बार आता है, यहाँ पे कुछ लिखते हो, सर्च करते हो, उससे ऊपर ये इमेज होती है, उस पर फोटो लगाया कुछ इस तरह का। इनका 160th बर्थडे था, उस पर लगाया। और ये हमारे इंडिया की फर्स्ट वुमन डॉक्टर है, और फर्स्ट ग्रेजुएट, जो पहली महिला है, फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट, जिन्होंने ग्रेजुएशन की, यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन करने वाली पहली महिला है हमारे इंडिया की। ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है 18 जुलाई 1861 को, और कलकत्ता में इनका जन्म होता है। बंगाल से थी ये, बंगाली फैमिली से। और इनके साथ साथ जब इन्होंने ग्रेजुएशन की कलकत्ता के कॉलेज से, बैथुने कॉलेज से, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है जो, उससे भी अपनी पढ़ाई की। तो जब इस कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की, तो इनके साथ साथ एक और लेडी थी जिनका नाम है चंद्रमुखी बासु। लेकिन पहली जो है इन्हें ही समझा जाता है गांगुली जी को, जो कदम्बनी गांगुली है। और ये चंद्रमुखी बासु कौन है? ये हैं जिन्होंने इनके साथ ग्रेजुएशन की। ये देखो, वुमन राइट्स के लिए चैंपियन मानी जाती हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करती थी, सोशल एक्टिविस्ट थी ये। और ये पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में, 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, सेशन जो अधिवेशन होता है ना हर साल, तो उस सेशन में पहली महिला थी इन्होंने जो एड्रेस किया था वहाँ पे सेशन को। एड्रेस करने का मतलब है भाषण दिया था, ये प्रेसिडेंट नहीं थी पहली, ये एड्रेस करने वाली महिला थी पहली, जिन्होंने भाषण दिया था इस सेशन में जो 1889 में हुआ था। और जो पहली महिला थी, वो आप सबको पता है, जो प्रेसिडेंट पहली महिला थी INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो एनी बेसेंते थी। और जो हमारे इंडिया की पहली महिला थी, वो कौन थी? सरोजनी नायडू। तो ये आप सबने पढ़ रखा है। तो यही था बस इस लेक्चर में।